बना रही हूँ पाव भाजी, और मैंने कटवा ली है प्याज, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन, और ये है टमाटर, और थोड़ी डालूंगी टमाटर प्यूरी, और ये थोड़ा धनिया कटवाया है, साथ में हरी चटनी। और अब करती हूँ ये, मैं बॉईल करूँगी पहले इसको थोड़ा सा, ये एक दो और तीन, इन सबको बॉईल करूँगी पहले मैं थोड़ा सा। मैंने सारी सब्जियाँ पानी में डाल दी हैं और आलू छिलवा लिए हैं, और मैं अब इसको करूँगी बॉईल। और ये साथ में मैंने चढ़ा दी है चाय, ये ऑयल गर्म होने रख दिया है, और रुको मेरी चाय उबलने वाली है, धीरे कर लूँ। और ये हम डालेंगे इसमें प्याज, ठीक है, इसको ब्राउन करो अच्छे से। ये मैंने सरसों का तेल डाला है, थोड़ा ऑयल फालतू डलता है। और ये मेरे टिमटिमा रहे हैं नाश्ते हुए प्याज, जो कि डिस्को डांस कर रहे हैं, और मेरी चाय भी डिस्को डांस कर रही है, तो मैं छान लूँ। ये मैंने मिक्सी में डाल दिया है टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, और हमारे प्याज हो गए हैं ब्राउन। मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि मैं पी रही हूँ चाय, और ये चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, अभी पीस के इसमें डालेंगे। आपको पता है मिक्सी में भी म्यूजिक होता है, तो इस पर भी डांस करो। मेरी प्यूरी हो गई है रेडी, और मैं इसको डालूंगी कुकर में। ये गई पूरी, पूरी की पूरी, सारी की सारी। देखो खाना जब तक दिल से नहीं बनाओगे अच्छा नहीं बनेगा, तो रोज खाना दिल से बनाओ, अपना तो यही है फड्डा, और यही है अड्डा, किचन अपना अड्डा। आज मैं मूड में हूँ तो भाई ऐसे ही व्लॉग बनने वाला है, ठीक है ना। मूड में तो हम रोज होते हैं, लेकिन ये जो बच्चा पार्टी है ना, ये तंग बहुत कर देती है भैया, फिर हम होता है भैया क्या करें। वो कहते ना, जिंदगी झंडवा पर फिर भी घमंडवा, घमंड में रहो। पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बोल दिया। देखो ऐ करता पे है जी ब्रेक डांस, उछल उछल के हैं, ऐ देखो डांस होता पे है। और ये जब तक तेल ना छोड़ दे, इसको छेड़ना भी मत, ऐसे चलने देना इसको, उछलने देना, और जब ये तेल छोड़ देगा और इसका रंग भी बदल जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे ये उबली हुई सब्जियां जो कि उबल चुकी हैं, और फिर इसको चलाएंगे मिक्सी में। आप मिक्सी में, मेरे बच्चे तो बिल्कुल सब्जी देखते ही डोलो ना, मतलब जैविन को तो बिल्कुल पिसा हुआ चाहिए होता मामला। आज तो प्याज भी डाल दिया ऐसे, तो पता नहीं ढूंढेगा ये प्याज कहाँ से आ गया। तो सब्जियों को पीस के नहीं, उसी में एज इट इज़ डाल दो, और उसको कूटो अच्छे से, कूट कूट के, जैसे तुम्हारा कोई वो दुश्मन उसको कूटते ना, ऐसे कूटो, फिर वो बाजी बनेगी। तो ये सब्जियाँ एज इट इज़ मैं नहीं डालूंगी, मैं पीसूंगी पीसिंग, और फिर उसमें डालूंगी। तो अभी दिखाती हूँ नेक्स्ट। सब्जी हो गई है बॉयल, और इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन किसके पास इतना टाइम है जी, किसी के पास टाइम नहीं है। तो इसको भिगो ठंडे पानी में, और इसको करो ठंडा, और चलाओ मिक्सी में। और इसका ये निकाल लिया है पानी, ये हो गया जी हमारा क्लियर सूप, ये ऐसे ही पी जाओ, कोई नहीं पी जाओ, अच्छा हेल्दी है, पी लो पी। तो ये हमारी हो गई है जी सब्जी, मिक्सी मिक्स हो गई है जी, और ये देखो येलो येलो स्वीटी फैलो, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये मैंने पाव के पैकेट मंगा लिए हैं, और ये मैंने मंगाए हैं ब्लिंकिट से। तो ब्लिंकिट पे मुझे मिले हैं, ये है बटर चटर, ठीक है, ये मुझे पड़ा है 28 रुपये का, और जो नॉर्मल हार्वेस्ट का पैकेट आता है वो होता है 40 रुपये का या 35 रुपये का। तो गुड डील, 4 पैकेट, एक पैकेट जाएगा नीचे मेरी जेठानी के घर, उसके 2 बच्चे हैं वो भी खाएंगे, मजे लो भाई मजे लो। हाँ मैं ये आपको टेस्ट के बाद ही बता पाऊँगी भी कैसा निकला, वैसे तो बढ़िया ही लग रहा है। ने अपना रंग बदल लिया है जैसे कि लोग बदलते हैं। और मैं इसमें डालूंगी ये, ठीक है, चप्पे चप्पे से निकाल ली है सब्जी, अब ये ऊपर से भी आ जाएगी जब ये पानी डालेंगे। तो मैंने वेस्ट नहीं करना होता कुछ भी, इसमें डालो पानी के साथ, और ये हम अब पकाएंगे कम से कम 15 से 20 मिनट, इसको चलने दो 20 से 25 मिनट चलने दो,
अच्छे से इसे पकने दो। और जो ज़्यादा नहीं पकाते सब्जी तो भैया 10 मिनट पका लो, तब भी टेस्ट आ जाएगा। तो देख रहे हैं ये बहुत सारे हैं, तो इसमें से मैं सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आलू डालूंगी, बाकी मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि वो कल काम आ जाए पराठे के। और अभी मैं डालूंगी ये, लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी सब्जी पक जाए फिर ये डालेंगे। पुदीना मैंने भिगो के रख दिया है क्योंकि इसकी मिट्टी बैठ जाएगी नीचे, साफ पानी में भिगो दिया है थोड़ी देर। इसके बाद हम बनाएंगे चटनी। चटनी का बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। मैंने डाला है 1 पूरा चम्मच भर के नमक, ठीक है, और इसका 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम अमचूर। तो ये मेरे दल गए हैं जी मसाले। और इस बार मैं लाई हूँ ये वाला मसाला, एवरेस्ट। तो ये पाव भाजी मसाला पहली बार लाई हूँ, वैसे MDH लाती हूँ, मुझे लग रहा है कि ये टेस्टी बनाएगा, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी सी खुशबू लग रही थी इसकी। और खुशबू मतलब पहले हमने खा रखा है इसमें, तो मेरा मन था इस बार इसमें बनाती हूँ। तो अभी डालूंगी, बनाऊंगी, फिर बताऊंगी कि MDH अच्छा है, ये अच्छा है। देखो मैं ऐसी हूँ, मैं कॉमेडी करती थी, लेकिन मैं ना कॉमेडी मूड में होती हूँ ना तब करती हूँ, तो ये मेरी कॉमेडी चल रही है, देखे जाओ कॉमेडी। कॉमेडी में पाव भाजी भी बना लूँगी मैं। अब ये मत कहना ओवर एक्टिंग है, कह भी सकते हैं कई लोग, किसी को पता नहीं ना मेरी नेचर, मेरी फ्रेंड्स को पता है मेरी नेचर कैसी है, मैं बहुत छेड़ू हूँ, बहुत हंसमुख हूँ। मेरे घर वाले कहेंगे हंसमुख और मम्मी कि बेटा तुम तंग करते हो तो हंसी क्या, सब कुछ गायब हो जाता है। हर माँ की कहानी। देखो माँ तो जन्म हुई है इसीलिए कि भैया बढ़िया बढ़िया पकवान बना के अपने बच्चों को खिलाओ, उनकी सेवा करो, पति की सेवा करो और अपनी भी सेवा करो। इसलिए नहीं हुई कि सबकी सेवा करो अपनी नहीं करो, अपने लिए भी टाइम निकाल लो, आपको जो अच्छा लगता है वो भी करो। तो मेरा तो यही फंड है भैया, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन फैमिली का भी करो फुल और अपना भी करो फुल, ठीक है। तो सीख भी देती रहूँगी मैं बीच में, एक्सपीरियंस हूँ भाई बहुत। अब ये प्रदीप ब्लॉग देखेगा ना तो बोलेगा जी क्या क्या बोल गई है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। उसकी भी ग्रेवी भी देख लेते हैं। ये हो गई है पकाऊ, पकाऊ यानी कि खड़ा कर रखा है इसने इतनी देर से, पक रही है तो पकाऊ हो गई है। तो ये चल रही है, उछाले मार रही है। अब इसमें डालते हैं आलू, क्योंकि ये बहुत थिक है तो इसको पतला करने के लिए थोड़ा पानी भी डालेंगे। तो मैं डालने जा रही हूँ ये होममेड टमाटो प्यूरी इसके अंदर। और ये हो गया इन दोनों का मिलन, चलो भाई हो जाएगी स्वादिष्ट। हमने डाली है पूरी प्यूरी, क्योंकि प्यूरी पूरी डालोगे तो ये प्यारी प्यारी बनेगी, कंजूसी करोगे तो फिर बस हो लिया काम। ये पूरी डालो, पूरी 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 को पूरी डालनी है, ठीक है। अभी हम इधर मिक्स करते हैं, इस आलू को हम मसाल देंगे ऐसे लेके और ऐसे मसाल देंगे। आलू को मैंने ऐसे मसल दिया है, जिस दिन लड़ाई होती है पति से जैसे उसे हम मसल देते हैं ऐसे ऐसे, उसकी तरह मैंने मसल दिया है। अब इसको डालेंगे इसमें, ये बेचारी पक के पका हो गई है और अच्छी लग रही है, शक्ल अच्छी लग रही है। कुकर में मत जाओ, वह छींटे आ गए, गंदा हो गया, कोई बात नहीं, गंदा नहीं अच्छा हो गया, मतलब खाना बन रहा तो अच्छा ही बन गया। और अब हम आलू को डालेंगे इसमें, रुको मैं कैमरा रख दूँ नहीं तो मेरा फ़ोन इसमें गिर जाएगा। ओ भाइयों और प्रदीप की बहनों, ये देखो प्रदीप की बहनों, देखो मेरी बहनों, ये गया आलू इसमें। और ये देखो अब मैं इसको थोड़ा पानी डाल दूँ ज़रा। तो ये डाल दिए आलू और हो गए हैं मिक्स, देखो मिक्स। और जिसने ज़्यादा आलू डालने हैं तो 1-2 आलू और डाल लो भैया, आलू जितने ज़्यादा डालोगे उससे ठीक है, किसी को आलू पसंद होते हैं भाई, कम ही डालो तो ग्रेवी का जो स्वाद होता है ना, स्वाद वो बढ़िया रहता है। अभी तो ये बनेगी, अभी ऐसी थोड़ी ना दिख जाएगी। और ये प्रदीप भैया देखिए क्या कर रहे हैं, ये मुझे सुन रहा होगा पक्का। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं।
नहीं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये बाथरूम में है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी दिखाने में। तो मैंने इसमें डाल दिया है पाव भाजी मसाला भी, और ये अब फिर से पकाऊंगी, पकेगी। गए थे बाथरूम में, मैं पीछे पीछे आ गई थी, फिर मैंने देखा तुम सेंसर्ड मोड में हो, फिर मैंने दिखाया नहीं वीडियो। अच्छा दरवाजा खोल देती बिल्कुल। स्मार्ट लग रहा है तू आज, आदम युग से आए हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। अरे वाह, तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, ऐसा ही है। आज क्या रोज की बात है, आज का व्लॉग देखना तुम, तुम्हारे पीछे से बनाया मैंने, बस मेरे पीछे से। यस, तो आज वाली मोना निकल के बाहर आ गई है, जो छेड़ा करती थी कभी किसी जमाने में कॉलेज में हुआ करती थी, जिसकी बातें निकलती थी, वो बातें निकालनी पड़ेगी अब मुझे, बहुत हो गया। क्या हंस रहे हो? देखेंगे, मैं भी देखता हूँ क्या निकल, क्या निकला बाहर। ये देखो इसके गाल, ये देखो रेड रेड, लाल लाल गाल, लाल लाल गाल, और ये देखो मेरे गाल बेचारे ढल गए हैं। उम्र कहाँ से? तो मेरे पास वो पाव भाजी वाला स्टील वाला आता है ना, जिससे हम उसको दबाएंगे, वो नहीं है मेरे पास, ये है बेचारा टूटा भी पड़ा है, इसी से कूट लूँगी, कूटती हूँ इसको। तो इसको ऐसे ऐसे ऐसे, आलू भाई दबाने भी हैं, दबाओ दबाओ, जितना दबाओगे उतनी स्वाद बनेगी, दबाते रहो। और हाँ, इसमें मैं बटर की बजाय डालूंगी 2 चम्मच घी, तो घी का स्वाद होता है बहुत बढ़िया इसमें, सब डाल के देखना, बटर की बजाय डालना घी। ए भाई गया घी हमारा, घी भाई झट्टो के घर पैदा आए, घी तो खाएंगे ना, लो घी घुमाओ इसको, घी को घुमाओ। अब ये ऊपर जब तक नहीं आ जाएगा ना, तेल छोड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, मैंने बहुत ज़्यादा पहले ही डाल दिया था सरसों का तेल, आप अगर और डालना चाहते हैं, आप बटर डालना चाहते हैं बटर डालिए, थोड़ा ना ऐसे घी बटर उसमें पकाओ इसको, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मैंने इसमें अभी चखा था, टेस्ट किया था तो नमक कम था, थोड़ा अमचूर और डाला है, और कम से कम आधे से ज़्यादा चम्मच नमक और डल गया है इसमें, कम था नमक काफ़ी मेरी जो क्वांटिटी है, तो आप अपने अंदाजे से चख चुक के बना लेना भैया नमक कितना डलेगा, कहीं मुझे कहो भैया तुमने 1.5 बोला था, हमने 1.5 डाला हमारा तो नमक ही नमक हो गया, तो भैया चख लेना पहले और फिर नमक डालना, ये तो सभी को बताओ, बच्चे भी जानते हैं। तो गर्मी में खड़े हो कि प्यास लग रही है। हाँ, तो मैंने 1.5 ग्लास पानी भी डाला है उसमें, क्योंकि वो इतनी थिक होती है, उसमें 1.5 से 2 ग्लास अंदाजे से डाल लेना, जितनी पतली चाहिए उतना पानी डलेगा उसमें, 1.5 तो पक्का ही पक्का। धनिया, तो अब ये धनिया है क्या? रुक जाओ, मंगाया तो था धनिया, कहाँ है धनिया? धनिया देखो, धनिया तो इतनी ड्रावी लगी, मेरा धनिया, ये धनिया बिना खाना कैसे बनते थे बच्चों दिन, अले 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 अले, धनिया तो दलना बहुत दलो लिए पाव भाजी में, तो ये धनिया दलेगा, और ये कहाँ का है, ये ब्लिंकिट का है धनिया, टेस्टी। और पता है कितना फ्रेश पुदीना भेजा उन्होंने, फ्रेश धनिया, मैंने पहली बार मंगाया, वैसे तो मैं स्विगी इंस्टामार्ट से मंगाती हूँ, और ब्लिंकिट ट्राई किया, बढ़िया है, पहली बार में तो डिलीवरी फ्री थी, अगली बार। बड़ी देर से देख रही हूँ, ये देखो बड़ी देर से दिख रही है मुझे, ये 2 चॉकलेट यहाँ पड़ी है, मेरा मन तो बहुत कर रहा है खा लूँ, पर ये जैवन तवी शैली है, उनकी दादी लेके आई थी दोनों, कुछ ना कुछ ले आती है, अच्छी है दादी, बहुत प्यार करती है बच्चों से, कुछ ना कुछ मानती थोड़ी ना, ले ही आती है। दोनों की हमने नाई नाई करा दी है, धनी की भी करा दी नाई नाई, ये भी नाई नाई करके डली मेरी चटनी की तैयारी। तो मैंने डाला है अदरक लहसुन हरी मिर्च नमक चाट मसाला प्याज और पुदीना, और इसको हम हल्का सा घुमाएंगे, ठीक है? ये बिल्कुल बेचारा ठूसा पड़ा है, कह रहा है मेरा सांस घुट रहा है, मुझे जल्दी पीसो जल्दी। भूख दिया मैंने इसको, 1 चम्मच दही डाला है और थोड़ा सा नींबू डाला है, अब इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे। ये तैयार हो गई है हमारी चटनी, ये शक्ल में अच्छी नहीं है लेकिन ये खाने में बहुत ही स्वाद है।
नहीं घुमाए तो उसको ज़्यादा नहीं पीसे, नहीं तो उसका फ्लेवर चला जाता है। थोड़ा ऐसे दरदरा दरदरा टाइप बोलते हैं ना, ऐसा रखें। सारे पुदीने को तो मैंने यूज़ नहीं किया है और ये बचा है पुदीना, इसका मैं बनाऊंगी गोलगप्पे का पानी, जो कि बनेगा कल या परसों। तो मैं बताऊंगी पानी की भी रेसिपी गोलगप्पे की जैसे मैं बनाती हूँ। भैया मैं कोई शेफ शूफ नहीं हूँ, मैं बॉर्न कुक हूँ, बॉर्न कुक जो 12 साल से कुकिंग, जब मैं 12-13 साल की थी तब से कर रही हूँ मैं कुकिंग। ऐसे अपने आप सीखी हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा, या मेरी फ्रेंड फ्रूंड कभी बता देती है। भैया मेरे से एक चीज़ नहीं बनी आज तक ज़िंदगी में, केक नहीं बना, वो भी मैं ट्राई करना चाहूँगी। लग रहा है मुझे कोई कोर्स करना पड़ेगा। हैरी क्या बोलती है? मेरी फ्रेंड हैरी ने मुझे कम से कम 10 बार केक सिखा दिए हैं, लेकिन मैं आज तक कभी केक नहीं बना पाई। तो मुझे एक केक के ऊपर ब्लॉग ज़रूर बनाना है और मैं हेल्प लूँगी हैरी की। ओके हैरी, वंस अगेन। प्रदीप कह रहा है ये जो सब्जियों का पानी है ये मैं नहीं पीऊँगा। हाँ मैंने सोचा था इसमें टमाटर डाल के थोड़े और इसका सूप बना लूँगी, पर चलो कोई नहीं, बोल रहे पौधों में दे दो तो चलो दे देते हैं भाई पौधों में पानी। सब्जी वाला ये मेरे थोड़े से पौधे हैं, छोटे मोटे देख रेख सी कर लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा मैं केयर नहीं कर पाती हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं लगाती। बहुत पेड़ है हमारे घर के पास तो ज़रूरत ही नहीं हमें। ये देखो वो देखो वो ईगल बैठी है हमारी प्यारी ईगल। तो ये प्लेट जा रही है नीचे और ये रही भाजी मेरी और ये रहा पाव और ये रहा प्रदीप। दे आओ भाई नीचे, बाय 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 गंजू। क्या हो रहे हैं पाव गरम प्रदीप के लिए। नजर लगा रही है तो ये है हमारा जी, और इस पे लगेगा एक प्याज और ये गया लट गट गया है यम्मी। तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरी पाव भाजी पसंद आई होगी, मेरे बोलने का तरीका पसंद आया होगा। तो कमेंट्स में बताओ कि कौन कौन इसको देख के भाजी बना रहा है। पक्का सबका मन कर गया होगा और बनी भी टेस्टी है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मुझे आती है बनानी, बहुत स्वाद बनती है, बड़ी नॉर्मल वे से बनाई है, मैं कोई शेफ स्टाइल में नहीं दिखाया, सिंपल वे में दिखाया है। ओके लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो। और आज मैंने इसकी डाल दी है सब्वे की, डालनी है ना, वो भी एडिट नहीं हुई है तो वो मैं कल डालूंगी, आज ये देख लो। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।